ये बताइए स्पीरो की मान्या क्या खा के खेलते हैं भाई, वो हर एक मैच में अपनी टीम को बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल पहुंचा देते हैं। एक बार मैं वो चाहते तो 1v2 की कोशिश भी कर सकते थे, इट वाज जस्ट वन फिनिश जो शायद वो देना नहीं चाहते थे। बट तो देखिए आंकी कितनी दूरी से ये प्लेस करने की कोशिश, वो भी बर्स्ट प्लेस कर रहे हैं अगर देखा जाए स्प्रे गॉड। जी हां, और कनेक्शंस वो भी थोड़े बहुत के साथ अपना बना सके। जी हां, मौका उनके पास जरूर है, ऑलरेडी उनके पास एक लीड है जिसको बनाएंगे। इधर अगर मैं गलत नहीं हूं रंगटन के पास भी एक रहेगा आगे जोन के अंदर, ऑनकोर को स्पॉट जरूर किया, आराम से उनको भी नॉक किया जाएगा। बेहतरीन यूम्पिस गाड़ी को सबमरीन बना के बैठे निकल के जोन के अंदर उनको आया हो चुका है भाई। आइकुसोल की बात करें तो दो फिनिशेज उनके पास है, एजेस पे वो मौजूद, और अच्छी बात ये कि वो हार्ड कवर्स उनके पास है जो मैक्सिमम टीम्स के पास अभी मौजूद नहीं रहने वाले। आइकुसोल के खाते में मैन एडवांटेज उनके पास है, अब सर्कल का एडवांटेज उनके पास है, और ये चिकन डिनर में चिकन डिनर के यही बोला था अपने एक्सपर्ट के बारे में, गायब हो गए वो कुछ क्षणों के बाद। बट आई कुछ और तो भी टीम का मिला, उनके प्लेयर भी गाड़ी भगाते नजर आएंगे। उधर डोरा के द्वारा मान्या को कर जाएगा डाउन, एक और प्लेयर आई कुछ का वो भी यहाँ पे डाउन होता हुआ आपको नजर आएगा, जो का डाउन मान्या खत्म। इसी के साथ गॉड भी अपना जलवा दिखाते हुए टीम आई कुछ, अब सिर्फ दो प्लेयर्स के साथ और वो दोनों प्लेयर्स है जोन के बाहर। बट अभी भी स्प्रे डाउन अब किया जा रहा है, इसने गॉड को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। उनको देखा, उनको परखा, उनको समझा, उनके ऊपर स्प्रेस किए जाते हुए, लेकिन अभी तक वो सेकंड नॉक, वो आखिरी नॉक मिला नहीं। और आज के दिन में टुओरा ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है। बट अब मुझे लगता है ये चिकन के पबल दावेदार टीम तमिलाज बन चुके हैं। टुओरा ओपी वहां पे अभी भी मौजूद रहने वाले, आइकुसोल की चुनौती और टुओरा ओपी को काफी आसान।